नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे आज केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। रामविलास पासवान के भाई हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और आज बड़े ही दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई है। जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं चर्चाएं थीं। हालांकि पशुपति पारस कई बार कहते रहे कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एनडीए का एक घटक दल है। एनडीए के घटक दल है एलजेपी भी, और जेडीयू को हम अलग नहीं मानते हैं। जेडीयू भी साथ साथ है। नीतीश कुमार से आज उनकी मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, चिराग पासवान भी कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का फिलहाल तो मैं हूँ, इस पर भी उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को जब पीएम मटेरियल बताया गया है जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, उस पर भी वो क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। आराम से बता देते हैं। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, टाइम पहले से दिल्ली से ही हम लोग लिए थे। हम अपने विभाग के संबंध में मैंने उनको आके जानकारी दी कि बिहार में दो तीन मोबाइल वाले कहा गया था, नहीं सुने बस क्या हो। तो विभाग के संबंध में जानकारी मैंने आके दिया उनको। पटना में एक कार्यालय खोलना चाहते हैं अपने विभाग का, मंत्रालय का। उसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक मकान हमको विभाग को दी। पॉलिटिकल बातें भी हुई क्या? नहीं, पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। और जो 23 तारीख को जो हमारे साथ जो घटना घटी थी हाजीपुर में, उस संबंध में मैंने उनसे कहा कि आप उसकी जांच करा लीजिए, जो दोषी लोग हैं आप उनको उन पर कार्रवाई की। वैसे ही दो बात हुई, तीसरी तो ये दावा कहाँ तक सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ लोजपा का, आज भी उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ लोजपा का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं होता तो कहेंगे मैं हूँ, मैं कहूँगा मैं हूँ। अच्छा, सवाल है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से दावेदारी हो रही है, अरे उस बात एक सवाल ले लीजिए कि सीएम नीतीश कुमार से आपने मुलाकात की है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? देखिए, एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं भी हूँ। और केसी त्यागी जी ने क्या कहा, केसी त्यागी जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल का सब गुण है, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है। उन्होंने भी कहा है यही, नीतीश के लिए वैकेंसी नहीं है। नहीं नहीं, नीतीश से फिर आप लोग लड़ाई वाला बस क्यों बोलते हैं जी। चलो, देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे हमारे अपने बड़े पापा केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ हम लोग गए थे, और काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई और काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रही। अरे आगे मत रखिए सर, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आप को घोषित कर रहे कि मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज भी उन्होंने बिहार में कहा है पार्टी आशीर्वाद। कौन सी पुरानी बात लेके बैठे हैं? लोकसभा अध्यक्ष जी ने वहाँ पे अपना फैसला सुना रखा है, सब कुछ हो रखा है, ये पुरानी बातें क्या लेकर? जातीय जनगणना को लेकर जो डेलीगेशन गया था उसके तरफ से एलजेपी के तरफ से कोई नहीं गया था, इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं। हम लोग तरफ से हमने अपना समर्थन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दिया है कि जो भी एनडीए में जो भी फैसला होगा इसके इसके प्रति वो हम लोग मानेंगे। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, अभी अभी तो ये चीज़ें गठबंधन में बैठी जाएगी, बैठ के बात की जाएगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में बताएंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम का आप लोग ये सब मुद्दा कहाँ से लेके आ रहे? देखिए, हर पार्टी, अरे अरे, अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने लोग हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। अभी ये सब मुद्दा कहाँ आप लोग उठा रहे हैं जबस्ते का? सर, आने वाले समय में क्या उम्मीद रखा जाए कि फैमिली एक होगी? फैमिली आप लोग बिग बॉस मत बनाइए सब चीज़ को। चलिए, तो आपने सुना पशुपति पारस ने एक तरफ जहाँ चिराग पासवान को नसीहत दी है कि वो तो चुनाव आयोग फैसला करेगा, वहीं नीतीश कुमार को एक अच्छा नेता भी बताया है, लेकिन पीएम मटेरियल वाली बात पर कहीं ना कहीं वो बातों को गोल गोल घुमाते हुए दिखे। आपने सुना है साफ तौर पे कि क्या कुछ बातें जो हैं सामने निकल के आई हैं। देखिए, बड़े ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुँचे पशुपति कुमार पारस। अब से आधे घंटे पहले पहुँचे हैं, लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई है, और आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले हैं, साथ में प्रिंस राज जो कि समस्तीपुर के सांसद भी हैं वो भी मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ कहा है पशुपति कुमार पारस ने आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।